आपने सी पैनल के मदद से या फिर मैनुअली वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लिया, पर उसके बाद क्या? आपको एक पोस्ट लिखने से पहले, पोस्ट को पब्लिश करने से पहले आपको अपने वर्डप्रेस में क्या क्या चेंजेस करने होते हैं, आज हम इसके लिए बात करेंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं चंदन और आप देख रहे हैं हिनवन करी। तो चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको रेड कलर का बटन दिखेगा, उससे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल को जरूर दबाइए। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जैसे हम कोई एंड्रॉयड फ़ोन खरीदते हैं तो उसके साथ कुछ ब्लॉटवेयर या ऐसा कुछ डिफॉल्ट सेटिंग आता है, ऐसे ही जब आप वर्डप्रेस ऐसे इंस्टॉल कर देते हो तो उसके साथ ही ऐसे कुछ प्लगइन्स, थीम्स या ऐसे कुछ डिफॉल्ट सेटिंग होता है जिसको आपको चेंज करना होता है। जैसे हम फ़ोन खरीदने के बाद उसके सेटिंग में छेड़खानी करते हैं और अपने हिसाब से उसको बदलते हैं जो कि ज़रूरी होता है, जैसे कि उसका टाइम चेंज हो गया, डेट चेंज हो गया या फिर वॉलपेपर हो गया, तो ये सब अगर जैसे हम सेट करते हैं ना, उसी तरह हमें वर्डप्रेस में भी उसका कुछ चेंजेस हैं जो कि हमें करना होता है। तो आज चलिए दिखाते हैं आपको कि क्या क्या आपको चेंजेस करना होता है। ये कोई सिक्योरिटी के लिए नहीं है, जो सिक्योरिटी पार्ट है हम नेक्स्ट टाइम बनाएंगे कि वर्डप्रेस सिक्योरिटी के लिए आपको कौन सा चीज़ ध्यान रखना होता है। तो मैं आपको लेके चलता हूँ मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे और वहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे क्या किसको चेंज करना है। ये रहा वो ब्लॉग जिसको मैंने पिछले वीडियो में बनाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा कि वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करना है तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाकर आप चेकआउट कर सकते हो या फिर मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा। ये रहा मेरा मेन वर्डप्रेस साइट जो कि है hindiblogger.net। अगर आपको इसके डैशबोर्ड पर जाना है तो आपको hindibloggers.net/admin या फिर wp-admin इसी URL पे आपको जाना है। मैं खोलता हूँ hindibloggers.net/wp-admin। तो आपको दिखेगा यूजर नेम और पासवर्ड, मैं तुरंत से डाल लेता हूँ। हम अभी आ गए हैं वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पर, मेन डैशबोर्ड जो है जहाँ पे हमें आर्टिकल लिखना होता है, सेटिंग में जो कुछ है हम इधर ही करते हैं। तो मैं ऊपर से नीचे आऊँगा, जो सेटिंग जो कि चेंजेस करना है हम ऊपर से नीचे करते आएंगे। तो पहले होता है पोस्ट, जाएंगे आप ऑल पोस्ट में और हमें जो डिफॉल्ट पोस्ट है उसको डिलीट करना है। यहाँ मैं कर दूंगा उसको ट्रैश और यहाँ ट्रैश में जाके मैं एम्प्टी ट्रैश कर देता हूँ। वर्डप्रेस के साथ कुछ बाय डिफॉल्ट पोस्ट, एक पेज और एक कमेंट आता है, तो जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, बस वर्डप्रेस दिखाने के लिए कि कैसे ये वगैरह काम करता है, तो हमें उसे डिलीट कर देना है। तो वहाँ पे आपको एक मिलेगा कैटेगरीज। कैटेगरी सेक्शन में हम कोई भी आर्टिकल लिखते हैं तो वो कौन सा कैटेगरी में आते हैं, बाय डिफॉल्ट वो ऑन कैटेगरी होता है, तो अगर चाहे तो आप इसे बदल के कोई कैटेगरी दे सकते हो। आपका ब्लॉग जिस रिलेटेड है उस रिलेटेड अगर आपका कुछ सब कैटेगरी आता है तो आप उसको ऐड कर सकते हो। मेरा जब ब्लॉग है ब्लॉगिंग रिलेटेड है, तो जो अन कैटेगरीज है इसको मैं क्विक एडिट कर देता हूँ। अन कैटेगरीज को हम कर देते हैं ब्लॉगिंग, ब्लॉगिंग और स्लॉग, मतलब ऐसे होगा आपका आपका ब्लॉग का URL/blogging, तो उसको भी हम चेंज कर देंगे, ये होगा ब्लॉगिंग। इसको स्मॉल लेटर में लिखना, सॉरी, और अभी कर देते हैं हम अपडेट कैटेगरी। तो हमारा जो डिफॉल्ट जो कैटेगरी है वो सेव हो गया है, जो कि पहले अन कैटेगरी था। आप चाहे तो आपने नीच के हिसाब से, ब्लॉग के कैटेगरी के हिसाब से आपका टैग हो गया, जो भी है जिस कैटेगरी में आप ज़्यादातर पोस्ट डालने वाले हो, आपको जो मेन कैटेगरी होगा वो आप चेंज कर देना। उसके बाद बढ़ते हैं मीडिया पर, इधर कुछ नहीं है, इधर आपको कुछ चेंजेस नहीं करना है। फिर आते हैं पेजेस में, पेजेस में आपको दो बाय डिफॉल्ट पेज मिलेगा, एक है प्राइवेसी पॉलिसी का और दूसरा है सैंपल पेज। आपको प्राइवेसी पॉलिसी रहने देना है, आप ये जरूरी है ब्लॉग के लिए, अभी उसका कुछ नहीं करना है, लेकिन जो सैंपल पेज है वो सैंपल को हम डिलीट कर देंगे, वो सैंपल पोस्ट की तरह था, इसको हम डिलीट कर देते हैं। फिर बढ़ते हैं हम कमेंट की ओर, कमेंट में भी हम ऐसे हम एक बाय डिफॉल्ट कमेंट रहेगा, सॉरी जब मैंने पोस्ट डिलीट किया तो ये भी डिलीट हो गया। तो फिर बढ़ते हैं
अपीयरेंस, और यहाँ जाते हम थीम्स की ओर। थीम होता है आपके ब्लॉग का डिजाइन, जैसे कि मेरे ब्लॉग में न्यूज़पेपर थीम है, ऐसे ही जेंट प्रेस थीम है, एक आस्त्रा थीम है, तो ऐसे ही बहुत सारे थीम होते हैं। और बाय डिफॉल्ट ये वर्डप्रेस का थीम है ये सब, और ये अभी एक्टिव है, जो थीम एक्टिव है उसको रहने देते हैं और बाकी सबको हम कर देते हैं डिलीट। अगर फ्यूचर में आप ऐसे कोई थीम कहीं से बाय करके इंस्टॉल करते हो ऐसे, या फिर वर्डप्रेस के साइड से इंस्टॉल करते हो, तो उसको जब आप एक्टिव करोगे तो ये जो थीम बचा है उसको आप डिलीट कर देना। बस एक ही थीम रखना, दो थीम बिल्कुल मत रखना, इससे साइट का जो स्पीड में इफेक्ट पड़ता है या फिर सिक्योरिटी में इफेक्ट पड़ता है, तो एक ही थीम रख देना। एक ही थीम हो गया, फिर बैकग्राउंड थीम ये सब जरूरत नहीं है। फिर आते हैं प्लगइन्स में। जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि ब्लॉटवेयर कुछ आ जाता है जब हम एंड्रॉयड फ़ोन खरीदते हैं, ऐसे ही कुछ बाय डिफ़ॉल्ट प्लगइन्स इंस्टॉल हो जाता है। तो ये सब कुछ प्लगइन्स वगैरह है जो कि मुझे ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ज़रूरत है तो रख सकते हो, लेकिन मुझे फिलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है, तो मैं सबको डिलीट कर देता हूँ। अगर आपको इनमें से कुछ ज़रूरत होगा तो आप रख लेना, लेकिन मुझे फिलहाल ज़रूरत नहीं है। क्या क्या थीम ज़रूरत है उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ जाकर आप चेकआउट कर सकते हो कि आपके वर्डप्रेस के लिए कौन सा लाइटवेट और इफेक्टिव प्लगइन्स होते हैं। सारे थीम हो गए डिलीट। फिर आते हैं यूजर के ओर। यूजर में आपको मिलेगा प्रोफाइल। प्रोफाइल सेक्शन में आप जो लॉगिन करते हो, आपका लॉगिन डिटेल रहता है, आपको वहाँ पे जाके आप अपना बायोग्राफी डाल सकते हो, अपना बायो डाल सकते हो, या फिर अगर आपका पासवर्ड स्ट्रांग नहीं है तो आपको एक स्ट्रांग पासवर्ड डालना होगा, जिसमें कि नंबर होगा, लेटर होगा और कुछ स्पेशल कैरेक्टर होगा, तो बहुत अच्छा है, स्ट्रांग होता है। तो ये रहा, यहाँ पे है बायोग्राफी इन्फो, यहाँ पे मैं कुछ लिख सकता हूँ, आई एम ए हिंदी ब्लॉगर, ऐसे वगैरह कुछ मैं लिख सकता हूँ, फिलहाल मुझे लिखना नहीं है, पर आपको यहाँ पे कुछ फिल कर देना है, क्योंकि आप जब पोस्ट करोगे, अगर आपको पोस्ट के नीचे बायो चाहिए तो आप यहाँ जो भी लिखोगे आपके पोस्ट के नीचे वो चीज़ आएगा, तो यहाँ पे आपको फिलअप कर देना है वो चीज़। अगर आपको प्रोफाइल पिक्चर चेंज करना है, जो कि ग्रैवतार के साथ आता है, एक वेबसाइट है ग्रैवतार, यहाँ पे लिंक है, वो लिंक पे जाके आप उस साइट में अपना लॉगिन करके अपना प्रोफाइल पिक्चर चेंज कर सकते हो, और सेट न्यू पासवर्ड, ऐसे ही आपको कुछ पासवर्ड रखना है जिसमें कि नंबर हो, लेटर हो, कैपिटल लेटर हो, स्मॉल लेटर हो, और कुछ स्पेशल कैरेक्टर भी हो रखना है। अभी तो मुझे पासवर्ड चेंज की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने पासवर्ड चेंज पहले कर लिया था। आप चाहे तो एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रख देना और अपडेट प्रोफाइल में क्लिक कर देना। फिर बढ़ते हैं टूल्स के, और टूल्स में अभी हमें कुछ नहीं चाहिए। फिर आते हैं सेटिंग्स। सेटिंग्स में जनरल सेटिंग। जनरल सेटिंग में जो पहला चेंजेस हमें करना होगा, जो हम साइट का टाइटल और टैगलाइन, जैसे कि सपोज मान लीजिए मेरा हिंदी ब्लॉग का है, जैसे हिंदी में स्लैश हिंदी में जानकारी जैसे है, ऐसे ही आपको साइट का मेन टाइटल क्या है और उसके साथ उसका टैगलाइन। जैसे कि मेरा साइट का टाइटल मैंने दे दिया hindibloggers.net, आप चाहे तो हिंदी ब्लॉगर्स बस रखने से भी चलेगा, और टैगलाइन में मैं दे दिया हूँ ए हिंदी ब्लॉग फॉर हिंदी ब्लॉगर्स, ऐसा कुछ मैं टैगलाइन दिया हूँ। आपको अपने ज़रूरत के हिसाब से इसको चेंज करना है। ये हो गया, और ये है मेंबरशिप, एनीवन कैन रजिस्टर। अगर आप अपने ब्लॉग के एक सिंगल ऑथर हो, मैं खुद आप मैनेज कर रहे हो, आपको दूसरा कोई नहीं चाहिए, तो इस ऑप्शन अगर टिक होगा तो अनटिक कर देना, अगर टिक होगा तो कोई भी आके रजिस्टर कर सकता है आपके डैशबोर्ड पे। अगर ये ऑप्शन टिक नहीं होगा तो आपके जो लॉगिन होगा, लॉगिन पे आपको रजिस्ट्रेशन का बटन लिंक नहीं दिखेगा आपको। फिर साइट लैंग्वेज इंग्लिश में देते हैं। न्यू डिफॉल्ट यूजर रोल सब्सक्राइबर, क्योंकि यही ठीक है, अगर कोई न्यू यूजर कभी ऑप्शन में डिसेबल कर दिए हो, अगर कभी एनेबल करते हो तो जो परमिशन आप चाहते हो ये दे सकते हो, मतलब कोई आके रजिस्टर करता है तो उसको वो परमिशन मिल जाएगा। फिर टाइम जोन, मैं इंडिया में रहता हूँ, मेरा टाइम जोन है 530 प्लस 530, तो UTC प्लस 530, ये हो गया। और अपने हिसाब से आप डेट चेंजेस कर सकते हो, टाइम में चेंजेस कर सकते हो, और वीक स्टार्ट ऑन मैं कर देता हूँ संडे, और करता हूँ सेव चेंजेस। ये हो गया। फिर बढ़ते हैं राइटिंग की ओर। राइटिंग में देखिए डिफॉल्ट कैटेगरी जो ऑन कैटेगरी होगा, देखिए आप चेंज कर दिए, मतलब ये
ब्लॉगिंग हो गया, फिर इधर आता है अपडेट सर्विसेज। यहाँ पे ये जो पिंग लिस्ट है, जब भी आप वर्डप्रेस में कुछ पोस्ट करते हो तो जब पब्लिश करते हो, पब्लिश बटन दबाते हो, तो ये कुछ पिंग सर्वर्स होते हैं जिन पे आपका पोस्ट को ये ट्रांसफर करता है, ये लिंक अभी अपडेट हुआ है, तो उससे मदद मिलता है आपको सर्च इंजन में जल्दी इंडेक्स करने के लिए। अगर आपको इस सर्विस को लिंक चाहिए तो बस गूगल पे जाकर सर्च करना वर्डप्रेस पिंग लिस्ट, आपको बहुत सारे साइट मिल जाएगा जहाँ पे आपको पिंग लिस्ट मिल जाएगा, वर्किंग पिंग लिस्ट, वहाँ जाके इसका आपको अपडेट कर देना है। मैं गूगल में सर्च किया तो मुझे इतने सारे मिले, बस आपको गूगल पे सर्च करना है वर्डप्रेस पिंग लिस्ट, आपको मिल जाएगा। मैं करता हूँ कॉपी और यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट और कर देता हूँ सेव चेंजेस, ये भी हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं रीडिंग के ओर। रीडिंग में ब्लॉग पोस्ट सो एट मोस्ट, जब आपका फीड आएगा ब्लॉग में, आप जैसे एक दो पोस्ट जितना पोस्ट लिखते हो आप, वो आता है आपके ब्लॉग में कितना दिखाएगा और फीड्स में कितना दिखाएगा, 10 रहने देता हूँ, आपकी मर्जी। अगर आप चाहते हो होम पेज या फिर आपके जो कैटेगरी पेज में कितना दिखेगा, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कितना पोस्ट दिखेगा, फिर नंबरिंग आएगा नेक्स्ट पोस्ट, तो ये सब आप इधर से सेट कर सकते हो। और ईच पोस्ट इन फीड इंक्लूड फुल टेक्स्ट समरी, अगर आप फुल टेक्स्ट करते हो तो होम पेज पे एक जितना 10 पोस्ट है पूरा 10 पोस्ट पर फुल दिखाएगा। जैसे कि मेरे हिंदी में है, हिंदी में मैं अगर आपकी कुछ कैटेगरी खोलोगे तो आपको पोस्ट और छोटा सा समरी दिखाता है, फुल समरी नहीं दिखता, मतलब पूरा पोस्ट नहीं दिखाता, तो ऐसे ही आपको समरी कर देना है और इधर कर देना है सेव चेंजेस। फिर आते हैं डिस्कशन की ओर, ये है आपका कमेंट सेक्शन। अटेम्प्ट टू नोटिफाई एनी ब्लॉग लिंक फ्रॉम द पोस्ट, इसको डिसेबल कर देना है। पहले दो ऑप्शन का आपको डिसेबल कर देना है, ये आपको नहीं चाहिए, बहुत सारे ईमेल्स आते हैं, डिसेबल कर देना है। फिर और एक चीज़ आपको ये सब रहने देते हैं, और बिफोर ए कमेंट अपीयर्स आपको इधर टिक कर देना है, मतलब कोई भी अगर आपके आपके ब्लॉग पोस्ट में कमेंट करता है तो आप उसको मैनुअली अप्रूव करोगे तभी जाके वो डिस्प्ले करेगा, ये ऑप्शन आपको इनेबल कर देना है, नहीं तो कोई भी आके कुछ भी स्पैम कमेंट कर देगा वो आपके साइड में दिखाने लगेगा, ये दोनों को रहने देते हैं। अगर आपको कुछ कीवर्ड्स बैन करना है जो कि साइट में आके लोग आपके अगर कुछ कमेंट करते हैं तो ऑटोमेटिक ये फिल्टर हो जाए, तो आप इधर डाल सकते हो। फिर आता है अवतार, जो डिफॉल्ट जो यूजर आके कोई कमेंट करता है तो कैसा इमेज दिखेगा, ये आप इधर सेट कर सकते हो, मैं कर देता हूँ सेव चेंजेस। फिर आते हैं मीडिया, मीडिया में आपको जो थंबनेल्स है सबको आपको 00 कर देना है। ये मैं इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब भी आप कोई अपने पोस्ट में इमेज डालते हो तो इसमें जितना साइज है, जैसे थंबनेल साइज, मीडियम साइज, लार्ज साइज, सबके हिसाब से ये ऑटोमेटिक उसको रिसाइज करके उसका वर्सन बना देता है, जो कि आपको नहीं चाहिए। आप जो भी थीम इस्तेमाल करते हो उसमें कुछ ऑप्शन रहता है कि इसका थंबनेल इतने साइज का होगा, उसका पोस्ट में जो इमेज उतना साइज का होगा, उसी हिसाब से ऑटोमेटिक क्रॉप हो जाएगा। आपको ये सब चीज़ में 0 कर देना, क्योंकि अगर आप ये चीज़ रखोगे तो थीम की सेटिंग के साथ साथ आपके जो वर्डप्रेस होस्टिंग है उसमें और 3 नए इमेजेस ऐड हो जाएंगे, तो इसकी आपको ज़रूरत नहीं है। क्रॉप थंबनेल टू एजेस, इसको भी हम अनटिक कर देते हैं और कर देते हैं सेव चेंजेस, ये हो गया। फिर आता है परमालिंक, परमालिंक सेक्शन बहुत ही ज़रूरी है, आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है, ये SEO के लिए भी ये चीज़ ज़रूरी है। तो परमालिंक में जो मैं प्रीफर करता हूँ वो है पोस्ट नेम, ज़्यादातर जितने भी ब्लॉगर हैं, बड़े ब्लॉगर, सब वही प्रीफर करते हैं। आपका ब्लॉग ऐसे दिखाएगा hindibloggers.net/postname, सपोज ब्लॉग क्या है ऐसा कुछ दिखाएगा, तो इधर हम कर देते हैं सेव चेंजेस। तो ये थे कुछ बेसिक सेटिंग्स जो कि तुरंत जब आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हो आपके ब्लॉग में ये सब करना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सिक्योरिटी के लिए आपके ब्लॉग में क्या क्या चेंजेस करना होता है। आप चाहे तो प्लगइन की मदद से कर सकते हैं, अगर आपको प्लगइन पसंद नहीं तो बिना प्लगइन के मदद से भी आप अपने वर्डप्रेस साइट को सिक्योर कर सकते हो, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका कोई ब्लॉगर ब्लॉग नहीं है जो गूगल आपका सिक्योरिटी समझेगा और आपका ध्यान रखेगा, अपने ब्लॉग को आपको खुद बचाना है, इसीलिए कुछ सिक्योरिटी चेंजेस भी ज़रूरी है। बहुत सारे यूजर मुझे रिक्वेस्ट किए थे कि भैया थोड़ा सिक्योरिटी के बारे में बात करना, तो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि अपने वर्डप्रेस साइट को सिक्योर कैसे रखें। तो उम्मीद है कि आप सभी को मेरा अपने पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे वर्डप्रेस रिलेटेड वीडियो डालूं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो
तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।